आज हम करने वाले हैं 20 मिनट्स का ऐसा वर्कआउट जो आपके ओवरऑल शरीर की चर्बी को मोम की तरह पिघला देगा। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ 4 हमेशा की तरह, लेकिन वो इतनी सुपर डुपर इफेक्टिव है। बिना किसी इक्विपमेंट के कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर का थोड़ा सा स्पेस, कंफर्टेबल कपड़े और तीसरा चाहिए आपको मैट कंफर्टेबल, और उसके बाद मेरे साथ शुरू हो जाना है। इतनी आसान है, इतनी इफेक्टिव है कि आपको 15 दिन में अपने अंदर ह्यूज डिफरेंस फील होगा। जब आप उठते और बैठते हैं तो आपका पेट आपको अड़ता होगा, आपकी थाइज बैठते समय आपको अड़ती होंगी, बाजू बहुत भारी भारी लगती होगी। 15 दिन में जब आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, आपका शरीर इतना हल्का महसूस करेगा। सिर्फ ये आपकी बॉडी वेट को मेंटेन नहीं करेगी, बल्कि जो आप वर्कआउट जब करते हैं तो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाता है कि ओवरऑल आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। जैसे जैसे आपको बीमारियां घेरने लगती हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, बाहर का काम करना फिजिकल एक्टिविटी में कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। जब हमारे शरीर में से स्वेट निकलता है तो स्वेट बहुत सारी गंदगी को भी बाहर निकालता है। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होती है, टॉक्सिन्स इकट्ठा नहीं होंगे, तो आपकी उम्र आपकी एज से कम लगेगी। मतलब जो भी आपकी एज है, आप उससे काफ़ी ज़्यादा छोटे लगेंगे। आपकी स्किन की क्वालिटी, आपके हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपके ऑर्गन्स बहुत हेल्दी रहेंगे। तो इतनी सारे बेनिफिट हैं, तो वर्कआउट क्यों नहीं करना। खाना खा रखा है तो 2 घंटे बात करें, खाली पेट कभी भी कर सकते हैं, सुबह हो शाम हो कभी करें, छोटे बच्चे बूढ़े जवान आदमी औरत हर कोई कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए आज के सेशन के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है, और उसके बाद आपने अपनी 1 लेग को जितना अप हो सकता है उतना अप करना है, लेकिन अप में आपने लेग स्ट्रेट नहीं करना, फोल्ड करके रखना है लाइक दिस। धीरे धीरे नीचे, देन अप। अब इसमें आप कहेंगे पेट पे क्या लोड पड़ रहा है। 2 तरीके हैं, जब हम इस तरीके से करेंगे तो पेट पे लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें अपने क्या ध्यान रखना है, अपने पेट को स्क्वीज करके रखना है, खींच के रखना है। ठीक है, पेट को जब आप खींचेंगे और जब ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है ना, जितनी ईजी लग रही है उतनी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो चलिए इसको हम 20 टाइम्स रिपीट करेंगे, 3 राउंड्स करेंगे। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इस तरीके से आपने लेट जाना है, ठीक है, उसके बाद में आपने साइकिलिंग करनी है पैरों से, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इफेक्टिव है। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं प्लैंक। मिनिमम हम स्टार्ट करेंगे 10 सेकंड, 20, 30, 60, और फिर जितना मैक्सिमम अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे। बेसिकली अगर आपकी पीठ में, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है वर्कआउट के टाइम समय, तो आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनको आपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लैंक करना बेहद ज़रूरी है, डेली करना बेहद ज़रूरी है।
ओके रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। इंपॉर्टेंट टिप की बारी आ जाती है, जैसा कि मैं हर सेशन में आपको देती हूँ, जो भी आप मील ले रहे हैं मेक श्योर कि आप अपने गैजेट्स को ऑफ करें, चाहे वो टीवी हो चाहे वो मोबाइल हो। आपने अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करना है और कम से कम जो खाना आप 5 मिनट में निपटाते हैं या 10 मिनट में, आपको उसको आधा घंटा या फिर 35 से 40 मिनट देने हैं।
ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हर बाइट को हमें इतना ज्यादा चबाना है ताकि आपके मुंह में ही वो रस बन जाए और इजिली आपका जो पेट है, आपके जब पेट में वो खाना जाए तो आसानी से पच सके। जब वो पचेगा तो खाने से मिलने वाले सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे और आप एक हेल्दी जिंदगी जी पाएंगे। इसके साथ जो लोग भी चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट के समय या फिर लंच के समय, मतलब अगर आप खाने के साथ चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं तो ऐसी गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि उसमें टेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकती है और जो भी खाने से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे कि आप बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चाय कॉफ़ी के शौकीन हैं तो खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद इसका सेवन करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। गुड लक।